नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Infinix Hot 40 Pro वर्सेस Moto G 45 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Hot 40 Pro में 6.64 इंच जबकि G 45 में 6.41 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Hot 40 Pro से कम है। विड्थ की बात करें तो Hot 40 Pro में 3.02 इंच जबकि G 45 में 2.94 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Hot 40 Pro से कम है। बात करें थिकनेस की तो Hot 40 Pro में 0.33 इंच जबकि G 45 में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Hot 40 Pro में 199 ग्राम्स जबकि G 45 में 183 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Hot 40 Pro में 6.78 इंचेस जबकि G 45 में 6.5 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Hot 40 Pro में 1080x2460px FHD+ और G 45 में 720x1600px HD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Hot 40 Pro में 84.65% जबकि G 45 में 84% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Hot 40 Pro में 396 पिक्सेल प्रति इंच जबकि G 45 में 270 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Hot 40 Pro में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में थर्ड कैमरा देखने को मिलता है। और G 45 की बात करें तो इसमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Hot 40 Pro में 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और G 45 की बात करें तो उसमें 13 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Hot 40 Pro में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं, और G 45 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Hot 40 Pro में माली G57MC2 जबकि G 45 में Adreno 619 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Hot 40 Pro में MediaTek Helio G99 और G 45 में Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 मिलता है। बात करें RAM की तो Hot 40 Pro में 8GB जबकि G 45 में 4GB RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 128GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Hot 40 Pro में Android V13 जबकि G 45 में Android V14 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Hot 40 Pro में 4 कलर्स जबकि G 45 में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Hot 40 Pro 8GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ 12,990 रुपीस में मिल जाता है, और बात करें G 45 की तो वो 4GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ 9,999 रुपीस में मिलता है। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Infinix Hot 40 Pro में 8 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है।
जबकि बात करें मोटो जी 45 5G की तो उसमें 5 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में हॉट 40 प्रो आगे है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में जी 45 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo Y200e 5G है, दूसरा Moto G 044G है, तीसरा Realme 12 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy M14 4G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।